भारत की ईरान से कच्चे तेल की खरीद में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह ईरान के शीर्ष बैंकों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को माना जा रहा है, जिसके चलते भारत को ईरान के तेल का भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। आरएसएस ने उम्र विवाद पर सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का समर्थन किया है। आरएसएस के मुताबिक सरकार इसे बेवजह तूल दे रही है। संघ का कहना है कि सरकार के रवैये की वजह से ही सेना प्रमुख अदालत जाने को मजबूर हुए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी डीबी रियलिटी के प्रबंध निदेशक विनोद गोयनका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने खुद को आरोपी बनाने के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिस पर अदालत ने सीबीआई से 13 मार्च तक जवाब मांगा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं पहली बार एक साथ टैंकों से दुश्मन का मुकाबला करने का अभ्यास करने जा रही हैं। मार्च में ये अभ्यास थार रेगिस्तान में होगा। इसी तरह के दो और अभ्यास इसी साल होने हैं। इससे पहले अमेरिका ने टैंकों का युद्धाभ्यास अफगानिस्तान में किया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद पाशा ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से दुबई में गुपचुप मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक पाशा ने उन्हें मुल्क न लौटने की भी सलाह दी। ISI के प्रमुख के मुताबिक मुशर्रफ के लिए अभी हालात माकूल नहीं हैं। कैश रिजर्व रेशियो में कटौती के रिजर्व बैंक के फैसले से बाजार में तेजी का रुख दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% चढ़े। BSE का सेंसेक्स 244 अंक चढ़कर 16,995 और NSE का निफ्टी 81 अंक चढ़कर 5,127 के स्तर पर बंद हुए। भारत की सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला डबल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत की सानिया और रूस की एलना वेस्नीना की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने अमेरिका की लीजल ह्यूबर और लीजा रेमंड को 6-3, 5-7 और 7-6 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में इन जोड़ी का मुकाबला स्वेतलाना और कुजनेत्सोवा की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा।